भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, भजन नहीं किया, उस मनुष्य की जिह्वा क्या है? तो कहते हैं कि जी हसो दादुरा, जी समाना। उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं बल्कि दादुर की जिह्वा है। अर्थात अमर कोश में दादुर के कई अर्थ बताए गए, लेकिन दो अर्थ आप समझिए। एक है मेढक, मेढक को देखा है दिन रात टर टर किए रहता है, कोई सुनता है क्या? अगर आप भी भजन नहीं करेंगे तो घर में वैसे ही टर टर चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। और दूसरा है चमगादड़। चमगादड़ को देखा है आपने कभी? कैसा रहता है? उल्टा लटका रहता है। रीजन क्या है? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है, अर्थात मलमूत्र का त्याग भी उसी मुख से करता है। अब आप विचार करिए, जिस मुख से भोजन उसी मुख से क्षय। तो भगवान शंकर कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा कहते हैं यहाँ पे, कि जिस मनुष्य की जीवा ने भगवान का गुणगान नहीं किया, भजन नहीं गाया, उस मनुष्य की जीवा कौन सी है? चमगादड़ की है। इसलिए अब से हम अगले चार दिनों तक कुछ कहेंगे नहीं। अब जो मेरे साथ में भजन गाएगा हम समझेंगे मनुष्यों वाली है, जो नहीं गाएगा हम समझ जाएंगे चमगादड़ वाली। इसलिए कहना ना पड़े। और जिस घर परिवार के चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टाइम नहीं है महाराज, गुरुजी टाइम नहीं है, कथा में नहीं, आप वीकेंड में आएंगे, यही परिवार, यही आपके बच्चे, आपके मरने का 10 मिनट भी नहीं बीता होगा, वो इस विचार में नहीं बैठेंगे कि थोड़ा माँ के लिए रो लें, थोड़ा पिता के लिए रो लें, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे लिए बहुत किया। नहीं, वो इसलिए बैठ जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके किसके नाम से होगी। गलत कह रहे हैं क्या? कितना बैंक बैलेंस रखा है माने कैसे अकाउंट में आएगा? अभी आपकी अंत्येष्टि तक नहीं होगी। जीवन की यही सच्चाई है। आप जो परिवार के लिए कर दे करना चाहिए, आप गृहस्थ धर्म में है तो करना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आप जो कहीं दान करते हैं ना, तो वो दान किसी और के लिए नहीं करते हैं, आप स्वयं के लिए करते हैं, क्योंकि यही आपके साथ में जाने वाला है, दूसरा कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो यही आपका किया हुआ पुण्य, यही आपका किया हुआ दान आपके साथ में जाएगा। जितना हो सके दान कर लीजिए, जितना हो सके परमार्थ कर लीजिए, जितना हो सके भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए। और ऐसे व्यक्ति महापुरुष होते हैं, स्वयं के लिए तो सब जीते हैं महाराज, कोई दूसरों के लिए करके दिखाए तब तो समझा जाए। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए तो सब करते हैं, किसी दूसरे की बेटी के लिए 2 पैसे खर्च करके दिखाओ, किसी दूसरे के बच्चों के लिए मेहनत करके दिखाओ। जीवन में आए हैं, हमारी आयु अगर 80 वर्ष की है, हम 80 वर्ष जी करके यहां से चले गए, किसी ने नहीं जाना। लेकिन कथा कहती है 50 वर्ष ही जिया जाए, 20 वर्ष ही जिया जाए, लेकिन उस 20 वर्ष में कुछ ऐसा करके जाए कि 1000 साल के लिए जीवित रह जाए। लोग जाने कि कोई आज इस धरा से गया है, लोग आज जाने, आपके घर वाले आपके लिए रोएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों उनका स्वार्थ रो रहा है? आप चले गए, अब खर्चे कैसे आएंगे, अब इतनी मेहनत कौन करेगा? लेकिन अगर बाहर वाले भी आपके लिए रो पड़े, आपके जनाजे के पीछे हजारों हजारों के लोग चल पड़े, तो आप समझिए आपका जीवन सार्थक हो गया। जो आपको नहीं जानते वो भी अगर आपके लिए रो दें, उनकी आंखों में अगर आपके लिए आंसू आ जाए, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। तब आप समझिए कि वाकई में मैंने अपने जीवन में कमाया है। किसको कमाया? लोगों का प्यार कमाया, लोगों का आशीर्वाद कमाया। भगवान कहते हैं मेरी सेवा ना करो, मंदिर में ना जाओ, लेकिन भगवान कहते हैं जो हमने मनुष्य को बनाया है वो मेरा ही स्वरूप है, उनकी सेवा करो।
और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये हम सबकी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी के बीच में ऐसे महापुरुष हैं।